नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पिरिचुअल, आपके साथ मैं हूं रीना। हिंदू धर्म में कई सारे त्यौहार मनाए जाते हैं जो अलग अलग देवी देवता को समर्पित होते हैं। इन्हीं में से एक है हनुमान जयंती। हनुमान जी को भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार माना गया है। पवन पुत्र, संकट मोचन, बजरंग बली समेत हनुमान जी के कई नाम हैं। शास्त्रों में हनुमान जी की कई कथाएं भी प्रचलित हैं। हनुमान जयंती कई जगहों पर चैत्र माह की पूर्णिमा पर मनाई जाती है, तो कहीं दिवाली से ठीक एक दिन पहले हनुमान जयंती मनाई तो कहीं दिवाली से ठीक एक दिन पहले हनुमान जयंती मनाई जाती है। वहीं दक्षिण भारत में तमिल कैलेंडर के अनुसार पौष महीने में हनुमान जयंती का त्यौहार मनाया जाता है। आइए जानते हैं तमिल हनुमान जयंती कब मनाई जाती है। तमिल कैलेंडर के अनुसार पौष अमावस्या पर हनुमान जी का जन्म हुआ था, जिसके चलते पौष अमावस्या पर हनुमान जयंती मनाई जाती है। पंचांग के अनुसार पौष अमावस्या 11 जनवरी को मनाई जाएगी और वहीं तमिल हनुमान जयंती भी इसी दिन होगी। आइए जानते हैं हनुमान जयंती पर क्या उपाय हम कर सकते हैं। पितृदोष के लिए पौष अमावस्या के दिन हनुमान जयंती मनाई जाती है। इस दिन पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। इस दिन आप घर में या फिर मंदिर में रामायण का पाठ करें, इससे पितृ खुश होंगे और पितृदोष से मुक्ति मिल जाएगी। इसके अलावा हनुमान जी की कृपा भी आप पर बनी रहेगी। इसके अलावा सवामणि, हनुमान जयंती पर हनुमान जी को सवामणि प्रसाद अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी और जीवन में भंडारा, हनुमान जयंती के दिन भंडारा कराने से आर्थिक लाभ होता है, आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। इस दिन में पहले हनुमान जी को भोग लगाएं और फिर गरीबों और जरूरतमंदों को खाना खिलाएं, इससे घर में कभी भी धन की कोई कमी नहीं होगी। रोगों से मुक्ति, अगर आप परिवार का कोई सदस्य लंबे समय से बीमार चल रहा हो तो हनुमान जयंती के दिन हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ करें। ऐसा करने से बीमार व्यक्ति जल्दी से स्वस्थ हो जाता है। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।